तमाम पंचायतवासी भोजपुरवासी देशवासियों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए ये मंगल कामना करें कि आपका भविष्य उज्जवल हो। भोजपुर पुलिस ने आज मादक पदार्थ की सौदेबाजी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। करीब 20 लाख रुपए की हीरोइन के साथ नगद रुपयों की बरामदगी की है। वहीं पुलिस ने इस दौरान हीरोइन तस्करी में शामिल अंतर जिला गिरोह के दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हीरोइन और नगद रुपयों के अलावा होंडा कार, इलेक्ट्रिक वेट मशीन और 3 मोबाइल हैंडसेट को भी जब्त किया है। पुलिस को यह सफलता नगर थाना इलाके के गौसगंज मोहल्ला और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर बलुआ गांव में छापेमारी के दरमियान मिली है। हीरोइन बरामदगी का खुलासा भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी है, जहां उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर और मुफस्सिल थाना इलाके में हीरोइन माफियाओं के द्वारा हीरोइन की खरीद बिक्री का खेल चल रहा है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ने एएसपी हिमांशु के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर हीरोइन बरामद और इसमें शामिल तस्करों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एएसपी की टीम ने सबसे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर बलुआ गांव के पास खड़े होंडा कार से 50 ग्राम हीरोइन और 43,000 रुपया नगद बरामद किया। साथ ही कार में सवार हीरोइन तस्करी में शामिल अंतर जिला गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पटना जिले के बेटा थाना क्षेत्र के चिरामपुर गांव निवासी मुकेश कुमार और प्रकाश कुमार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए हीरोइन माफियाओं से जब सख्ती से पूछताछ की तो उनके द्वारा नगर थाना के गौसगंज मोहल्ले निवासी राजू पासवान के घर में हीरोइन की और भी बड़ी खेप होने की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस नगर थाना इलाके के गौसगंज मोहल्ले स्थित राजू पासवान के घर पर जब छापेमारी की तो पुलिस ने वहां से 293 ग्राम हीरोइन, एक इलेक्ट्रिक वेट मशीन और मोबाइल को जब्त किया। हालांकि इस दौरान हीरोइन तस्करी के धंधे में शामिल राजू पासवान मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि दोनों जगह छापेमारी के दौरान करीब 350 ग्राम हीरोइन को बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों की निशानदेही पर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरोइन की खेप को कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां डिलीवर करने की योजना थी। आज की प्रेस विज्ञप्ति, एक मुफस्सिल और दूसरा आरा नगर, दो थाना में दर्ज दो महत्वपूर्ण कांड जो है उनके संबंध में बुलाया गया है। दोनों कांड एनडीपीएस से संबंधित है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारा जो गांगी क्षेत्र है उस एरिया में पहले से भी एनडीपीएस से रिलेटेड जो है कांडों और वहां पे इसके अवैध व्यापार को लेके वह जगह पहले से भी कुख्यात रहा है, जहां पर पहले भी कई बार कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसी के संदर्भ में जो अभी हम लोग की लगातार गश्ती आसूचना संकलन वर्तमान में जो भोजपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री हिमांशु के नेतृत्व में जो 2-3 हमारे थानाध्यक्ष हैं, जो आरा नगर, मुफस्सिल और नवादा, और हमारे डीआईयू की टीम, इन सब ने मिलकर पहले तो एक जगह छापामारी किया, जहाँ से दो लड़के जो कि यहाँ से बेटा जो ले जा रहे थे हीरोइन जैसा पदार्थ है, लेकिन अभी इसका टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये हीरोइन जैसा पदार्थ जो उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में जो स्वीकार किया और यहाँ से खरीद के ये पटना में ले जाकर इसकी बिक्री करते हैं। और ये लड़के हैं जो अभियुक्त दोनों गिरफ्तार हुए हैं, पहला है मुकेश कुमार, पिता स्वर्गीय सुदामा प्रसाद, श्रीरामपुर बिहटा का है, और दूसरा है प्रकाश कुमार, पिता लाल बाबू प्रसाद, श्रीरामपुर बेटा, ये दोनों बेटा के ही हैं। ये पहले भी इन्होंने स्वीकार किया कि पहले भी कई बार कई जगह से ये अपना एनडीपीएस के इस सब व्यापार में ये संलिप्त रहे हैं, तो इनकी गिरफ्तारी से निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त हुई है। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 50 ग्राम हीरोइन जैसा पदार्थ और उनके पास से नकद 43,000 रुपये और एक होंडा कार और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो इसी सूचना के क्रम में हमें और सूचना मिली कि गौसगंज क्षेत्र में भी कुछ ऐसा अवैध व्यापार चल रहा है, तो वहाँ भी सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमांशु उसके बाद इनके नेतृत्व में एक टीम गई और इस टीम में थानाध्यक्ष आरा नगर, मुफस्सिल और हमारे डीआईयू की टीम, इन सब ने मिल के और नवादा, इन लोगों ने मिल के वहाँ पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में वहाँ पे एक अभियुक्त है राजू पासवान पहले भी इनका नाम आया था, इनके यहाँ से जब छापेमारी कई जगह छापेमारी हुई, इनके यहाँ से लगभग 200
293 ग्राम अवैध ये हीरोइन जैसा पदार्थ ही है, लेकिन ये अभियुक्त भी बताए कि वहाँ से भी ये लेते थे, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हीरोइन है। और इसके अतिरिक्त बरामदगी में इसके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा तराजू जिसके माध्यम से ये बेचता था इसको नाप तोल करके, और एक मोबाइल बरामद हुई है। और उस मोबाइल को भी जो है हम लोग अनुसंधान में आगे देख रहे हैं, उससे आगे जो सूत्र मिलेंगे तो उनके माध्यम से इस जो भी NDPS का ये यहाँ पर अवैध व्यापार चल रहा है, तो अभी हम लोग आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। और पब्लिक से भी जैसे हमें आसूचना प्राप्त होती है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं, और ये भी आसूचना कहीं ना कहीं हमें आम पब्लिक से और अपने आसूचना संकलन से प्राप्त हुआ था, जिसमें ये सफलता मिली है। और ये जो संपूर्ण जो मात्रा है 293 और 50 ग्राम, लगभग 350 ग्राम के आसपास ये हो रहा है, और इसकी मार्केट में जो मूल्य लगभग आंकलन एक एवरेज रूप से किया जा सकता है, ये लगभग 20 लाख के आसपास जो है बताया जा रहा है, जिस मूल्य से ये लोग खरीदते थे और बेचते थे। तो निश्चित ही भोजपुर पुलिस के द्वारा ये कोई बड़ी उपलब्धि है, और इस प्रकार हमारा जो है अवैध मादक पदार्थों और अन्य जो है जो हमारे अवैध जो कारोबार यहाँ पर ये लोग करते हैं भोजपुर में और गांगी क्षेत्र में, इसके खिलाफ लगातार चलती रहेगी, और इन अभियुक्तों को जो है किसी भी प्रकार से अवैध गतिविधि करने की छूट नहीं दी जाएगी। देखिए मैंने बताया कि ये अनुसंधान का विषय चल रहा है, एक तो राजू पासवान के घर से बरामदगी भी हुई है तो उसकी भी संलिप्तता है, उसकी कई अन्य साथी हैं, जो मोबाइल भी बरामद हुई हैं 2-3 वहाँ से, तो उन मोबाइल के माध्यम से भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि उनमें आपस में क्या चैटिंग हुई है या किसके किसके साथ इनकी आपस में बातचीत है या कहाँ पर ये सप्लाई करते थे, कहाँ से खरीदते थे। इस संपूर्ण चेन की जो है विधिवत ढंग से इसका अनुसंधान किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त होगा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और सभी नगरवासियों को संभावना विद्यालय प्रबंधन की ओर से बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आने वाले बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का आप सभी भोजपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ आप प्रेस मीडिया, जिला प्रशासन के लोग और हमारे नगर निगम के सभी नए सदस्य को ढेर सारी शुभकामनाएं हम बधाई। मैं आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भोजपुर वासियों को और हसनपुरा पंचायत वासियों को 26 जनवरी और माँ शारदे की पूजा सरस्वती पूजा को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी विद्यालय परिवार, छात्र छात्राएं, अभिभावक, पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना। सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। साथ ही 26 जनवरी के दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है। सरस्वती पूजा जो है हम को विद्या दायिनी है, सब का विकास हो, सब सुखी और समृद्ध रहें, यही हमारी शुभकामना है। निदेशक धर्मेंद्र उपाध्याय, ज्ञानोदय प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय बबनौली भोजपुर, सह जनरल सेक्रेटरी पासवा भोजपुर। तमाम पंचायतवासी, भोजपुरवासी, देशवासियों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए ये मंगल कामना कर रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर पहले मैं अपने भगवान रूपी जनता वार्ड नंबर 33 की जनता को पहले नमस्कार करता हूं और धन्यवाद दूंगा गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का। उसके बाद मैं अपने नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर के भी मैं गणतंत्र दिवस का बधाई देता हूँ कि हम लोग आने वाले समय सुखमय और आरा नगर निगम की विकास हो। गणतंत्र दिवस हम लोग के देश की आज़ादी की बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम लोग पूरे देश में मनाया जाता है, यहाँ तक कि विदेश में भी कुछ लोग मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। और हम कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को तिरंगा के मान सम्मान को रखते हुए कम से कम एक झंडा अपने घर पे लहराएं और फहराएं। और सरस्वती पूजा एक विद्या की देवी का पूजा होता है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी
नन्हे मुन्ने बच्चे सरस्वती पूजा की प्रतिमा को रखकर पूजा अर्चना करते हैं, और हम सभी को अपने तरफ से गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की